हाय, I'm Saurav. Welcome to our new video. हमने अपनी पुरानी वीडियो में बोला था कि अब हम आपको प्रॉपर्टी कम दिखाएंगे वीडियोस में, एजुकेट ज़्यादा करेंगे रियल एस्टेट के बारे में. बट अगर कोई प्रॉपर्टी दिखाएंगे तो इट हैज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन करंटली. तो ऐसा ही हम आपको एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट दिखाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. प्रोजेक्ट का नाम है ATS Homecraft Pius Orchards, लोकेशन सेक्टर 150 नोएडा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है सेक्टर 150 नोएडा के अंदर. सेक्टर 150 के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर और ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा. मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में कई बार सेक्टर 150 के बारे में बताया हुआ है, आप ऑलरेडी जानते होंगे. अगर आप फिर भी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आप नहीं जानते सेक्टर 150 एज अ लोकेशन के लिए, आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, पुरानी वीडियोस को देख लें, आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. क्रक्स इस बात का ये है कि अगर आपको कोई अपार्टमेंट देखना है नोएडा के अंदर, सेक्टर 150 नोएडा एक बहुत आइडियल ऑप्शन है, लोकेशन है आपको अपार्टमेंट देखने के. अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के डेवलपर की, ATS Homecraft. ATS Homecraft ATS की ही एक कंपनी है. फ़र्क बस ये है कि ATS Homecraft एज अ कंपनी में, Homecraft Infra Private Limited जो कंपनी है, उसमें 25% के आसपास का जो स्टेक है वो HDFC कैपिटल ओन करता है. जैसे आपने शार्क टैंक देखा होगा, आप अंडरस्टैंड करते होंगे कैसे एक कंपनी के अंदर दूसरी कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, स्टेक खरीदती हैं, प्रॉफिट शेयर करती हैं. तो सिमिलरली इस प्रोजेक्ट का जो डेवलपर है ATS Homecraft, उसके अंदर HDFC कैपिटल का स्टेक है. तो जितना भी फंड्स का फ्लो है, जितना भी फंड्स का इनफ्लो आउटफ्लो है, वो HDFC ही मैनेज करता है. और अगर ATS Homecraft के पुराने प्रोजेक्ट्स की बात करें, ऑल्दो ATS के साथ जो लेगेसी, जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जो मेंटेनेंस आता है वो ATS Homecraft के साथ आता ही है, बट अगर स्पेसिफिकली ATS Homecraft की बात करें तो इनके जितने पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे हैप्पी ट्रेल्स हो, नोबिलिटी हो, नोएडा एक्सटेंशन में, दोनों ऑलमोस्ट सोल्ड आउट प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत नियर हैं अपने पोजेशन के, टाइम से पहले डिलीवर हो रहे हैं, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिला है वहाँ पे. ATS Homecraft का पायस हाइडवेज, जो पायस ऑर्चर्ड से ही लगा हुआ प्रोजेक्ट है, जिसको काफ़ी लोग पायस ऑर्चर्ड्स का फेज़ वन बोल देते हैं, उसका भी पोजेशन आपको 1-1.5 साल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगा, ऑलमोस्ट सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है. सो ATS की जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जो मेंटेनेंस रहता है प्रोजेक्ट का डिलीवरी होने के बाद, वो आपको ATS Homecraft के साथ मिलता ही है, और उसके साथ ऐड हो जाता है HDFC कैपिटल का फंड्स और उसका ट्रस्ट. तो इन शॉर्ट ये कि जितना भी कंस्ट्रक्शन का टाइमलाइंस है वो बहुत अच्छे तरीके से फॉलो हो रहा है ATS Homecraft के अंदर. अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे और बात करते हैं पायस ऑर्चर्ड्स की बाकी डिटेल्स के बारे में, पोजेशन कब है, साइजेस क्या क्या है, प्राइसिंग क्या है. सो लेट्स गो. सो पायस ऑर्चर्ड्स प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में बात करने से पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि किसी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को हम कब एक प्रीमियम प्रोजेक्ट बोल सकते हैं. हम एडवर्टाइजमेंट्स तो सारे ही प्रोजेक्ट्स का, लग्जरी और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स का ही सुनते हैं, बट ऐसे क्या फीचर्स होने चाहिए कि एक प्रोजेक्ट को प्रीमियम प्रोजेक्ट कहलाना चाहिए. सो पायस ऑर्चर्ड्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले ऑलमोस्ट 9.5 एकड़ का टोटल लैंड है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 600 ही फ्लैट्स हैं. तो आप डेंसिटी से एक चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बहुत लो डेंस प्रोजेक्ट है. तो एक प्रीमियम प्रोजेक्ट ऑब्वियसली एक कम डेंसिटी का प्रोजेक्ट होना चाहिए. दूसरा एस्पेक्ट कि टोटल एरिया जितना इस प्रोजेक्ट का है, उसका ऑलमोस्ट 80% लैंडस्केप ग्रीन एरिया है. सो आप देखिए कि ओपननेस बहुत अच्छी है, बहुत ओपन एरियाज रहेगा पूरे प्रोजेक्ट के अंदर. प्लस अगर साइजेस की बात करें, जो अपार्टमेंट का साइज है इस प्रोजेक्ट के अंदर, दो ही साइज हैं. एक 2350 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट, यानी कि एक बड़ा 3 बेडरूम है, और दूसरा 3200 स्क्वायर फीट का 5 बेडरूम प्लस सर्वेंट, या आप 4 बेडरूम प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट भी कह सकते हैं उसको. अब पायस ऑर्चर्ड एक प्रीमियम प्रोजेक्ट है, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बेस्ट इन क्लास होनी ही थी. तो MyOne कंस्ट्रक्शन का ये प्रोजेक्ट है, इससे बेटर कोई कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अभी आई भी नहीं है. पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है, जितनी भी एमिनिटीज़ एक प्रीमियम प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए, चाहे क्लब हाउस हो, चाहे बैंक्वेट हो, चाहे और फीचर्स हो. और अगर मैं सबसे यूनिक दो चीज़ों की बात करूँ पायस ऑर्चर्ड्स के अंदर, एक तो ऑब्वियसली कि छोटे फ्लैट्स हैं ही नहीं, सिर्फ बड़े फ्लैट्स ही हैं. दूसरा ये कि इसमें सारे टावर्स में, सारे प्रोजेक्ट के अंदर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स और 3 लिफ्ट्स हैं. तो हर फ्लैट 2 साइड ओपन है. बट व्यू की अगर हम बात करें, तो जो 2350 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, उसमें आधी बालकनीज, जो मेन बालकनीज है, उससे लैंडस्केप जो ग्रीन एरिया, उसका व्यू आता है, और बाकी बालकनीज भी ओपन है जिसमें दूसरे प्रोजेक्ट का व्यू है. और अगर 3200 स्क्वायर फीट का फ्लैट देख रहे हैं, अपने लिए बड़ा फ्लैट देख रहे हैं, तो उसमें आधी बालकनीज जो है वो सेंट्रल ग्रीन एरिया को फेस करती है, और आधी बालकनीज फेस करती है यमुना रिवर को. तो आपको फ्लैट से
यमुना रिवर का व्यू मिलेगा। अब हम बात करते हैं पायस ऑर्चर्ड प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स के बारे में। अभी हम पायस हाइडवेज के टावर के सेकंड फ्लोर पे हैं। तो ये टावर और जिस टावर में अभी हम हैं, यहाँ से लेकर आगे तक और वो वाला पार्ट, यानी कि जो ये यू शेप का टावर्स का आपको प्लेसमेंट दिख रहा है 11-12 टावर्स का, ये पायस हाइडवेज है। सो ये टोटल जो लैंड एरिया है ये अप्रॉक्सीमेटली 17-18 एकड़ का लैंड है, जिसमें 8 एकड़ के अंदर पायस हाइडवेज है, जिसको कई लोग पायस ऑर्चर्ड्स का फेज वन बोलते हैं, लेकिन वो दोनों ऑल्दो अलग अलग प्रोजेक्ट है। अभी मैं बता दूंगा आपको कि किस तरीके से प्लेस्ड है। सो पायस हाइडवेज ऑलरेडी काफ़ी हद तक सोल्ड आउट है। तीन साइज थे, 1600-1615 स्क्वायर फीट, 1675 स्क्वायर फीट के 3 बेडरूम्स। तीनों साइजेस के अंदर आपको दो दो चार चार फ्लैट्स की अवेलेबिलिटी मिल जाती है टॉप के 3-4 फ्लोर्स के अंदर। पोजेशन भी आपको ऑलमोस्ट 1.5 साल के आसपास में मिल जाएगा। और जितना आपको बीच का एरिया दिख रहा है, ये सारा पोडियम बेस्ड लैंडस्केप एरिया है पायस हाइडवेज का। अब जो आपको आगे टावर्स दिख रहे हैं बनते हुए, ये 2 टावर्स उधर, 5 टावर बनेंगे और 3 टावर्स उधर बनेंगे, आपको ड्रोन की क्लिप से अगेन थोड़ा एडअप करके और अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। वो जो 10 टावर का जो क्लस्टर है, ऑलमोस्ट 9.5 एकड़ का लैंड पार्सल, वो पायस ऑर्चर्ड्स है। दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। पायस हाइडवेज के अंदर अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, 1400 स्क्वायर फीट से लेकर 1675 स्क्वायर फीट के 3 बेडरूम्स, और पायस ऑर्चर्ड्स के अंदर 2350 का 3 बेडरूम और 3200 स्क्वायर फीट का 4 या 5 बेडरूम, दोनों तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेनिफिट इन दोनों प्रोजेक्ट्स को एक दूसरे के साथ होने का ये मिल रहा है कि है टोटल 18 एकड़ का लैंड एरिया, टावर्स का प्लेसमेंट चारों बॉर्डर्स पे है, और बीच का जितना भी एरिया है वो सारा लैंडस्केप ग्रीन एरिया है। तो पायस हाइडवेज वाले को भी डबल ग्रीन एरिया दिखेगा, यानी कि अपना ग्रीन एरिया और पायस ऑर्चर्ड्स का, और सिमिलरली पायस ऑर्चर्ड्स वालों को भी ग्रीन एरिया डबल दिखेगा। तो ये एक बहुत एडेड बेनिफिट मिलेगा इन दोनों प्रोजेक्ट्स का इस तरीके से प्लेस होने का। नाउ क्विकली लेट्स सी द सैंपल अपार्टमेंट ऑफ ATS पायस हाइडवेज। 1675 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, 3 बेडरूम प्लस स्टडी। आप इसका क्विक वॉक थ्रू देखिए। अब हम आपको बताते हैं प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी और सारी फाइनल डिटेल्स और हमारा अपना पर्सनल वर्डिक्ट भी। पहले हम बात करते हैं पायस हाइडवेज की। उस पायस हाइडवेज के बारे में हमने बहुत ज़्यादा नहीं बात करी क्योंकि बहुत कम इन्वेंट्रीज हैं। हाइडवेज के अंदर पोजेशन टाइम है ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 1.5 साल मैक्सिमम। साइजेस हैं 1400 स्क्वायर फीट, 1615 और 1675 स्क्वायर फीट के 3 बेडरूम। तीनों ही साइजेस के अंदर 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 फ्लैट्स मैक्सिमम अवेलेबल हैं, लेकिन सारी अवेलेबिलिटी टॉप के 2-3 फ्लोर्स पे है। तो ये 31-32 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो टॉप के 3-4 फ्लोर्स पे आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती है। प्राइस है ऑलमोस्ट 8000 रुपये फुट पायस हाइडवेज का। अब हम बात करते हैं पायस ऑर्चर्ड्स की। पायस ऑर्चर्ड्स का हम आपको सैंपल नहीं दिखा पा रहे क्योंकि सैंपल नहीं बना, बिना सैंपल के ही वो प्रोजेक्ट 50-60% सेल ऑलरेडी हो चुका है। 2350 और 3200 स्क्वायर फीट, 2350 वाला अप्रॉक्सीमेटली 2.25 करोड़ के आसपास कॉस्ट करता है, 1.75 के आसपास, और 3200 स्क्वायर फीट का फ्लैट कॉस्ट करता है अप्रॉक्सीमेटली 2.35 CR के आसपास। अगर आप बेसिक सेलिंग प्राइस देखेंगे पर स्क्वायर फीट, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 7700 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। पायस ऑर्चर्ड्स का पोजेशन टाइम 2026 है और पेमेंट प्लान कंस्ट्रक्शन लिंक रहेगा। अब फाइनली मैं ये बोलूंगा कि जो 7700 रुपये फुट का जो प्राइस है, माइनस उसमें कुछ डिस्काउंट, कुछ नेगोशिएशन होता है, कुछ एडिशनल चार्जेस होते हैं, जो एक बॉक्स प्राइस टोटल निकल के आता है, वो अभी भी पायस ऑर्चर्ड्स का बहुत वैल्यू फॉर मनी है। जिस तरह का ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपको सारे फ्लैट्स के साथ ACs मिल रहे हैं, 3 बेडरूम में 5 ACs, 5 बेडरूम में 7 ACs, कुछ होम ऑटोमेशन मिल रहा है, कुछ इस तरह की एमिनिटीज़ और कुछ डिस्काउंट्स तो है ही हैं, बट ओवरऑल जो ये पैकेज है जिस प्राइस स्ट्रक्चर में मिल रहा है, बहुत वैल्यू फॉर मनी है। पोजेशन तक मार्क माई वर्ड्स ऑन दिस, यही प्रोजेक्ट आपको एटलीस्ट 13-14 हज़ार रुपये फुट का मिलेगा। और एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ कि जिस पूरे नोएडा के अंदर, आप ये देखिए कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर एक फ्लोर पे 2 यूनिट्स हैं, आप उनका प्राइस चेक कीजिए बाकी प्रोजेक्ट्स के कंपैरेटिवली कितना है। या इनफैक्ट अगर सेम प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कुछ टावर्स में एक फ्लोर पे 4 या 6 फ्लैट्स हैं और कुछ टावर्स में 2 फ्लैट्स हैं, तो उन टावर का भी आप पर स्क्वायर फीट रेट का डिफरेंस चेक कीजिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, आप होमवर्क कीजिएगा इस बारे में। आप सेक्टर 128 में JP पवेलियन कोर्ट और पवेलियन हाइट का डिफरेंस चेक कीजिए, आप क्लियो गोल्ड में देखिए, गुलशन डायनेस्टी में देखिए, या इनफैक्ट आप एस पार्कवे के अंदर 3 बेडरूम 2190 स्क्वायर फीट का देखिए, जिसमें एक फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं पर स्क्वायर फीट रेट, और 2460 स्क्वायर फीट वाले का पर स्क्वायर फीट रेट देखिए रीसेल के अंदर। इनफैक्ट ATS का ही प्रोजेक्ट सेक्टर 150 में ATS प्रिस्टीन का भी देखिए कि दोनों के जो एक फ्लोर पे 2 यूनिट्स वाला कॉन्सेप्ट है दोनों तरफ से ओपन, उसकी कितनी डिमांड है और पर स्क्वायर फीट रेट में कितना डिफरेंस है। जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट दिसंबर 2021 में किया था, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, जितना अमाउंट उन्होंने अभी तक इन्वेस्ट किया है उनको उसका 100% रिटर्न मिल चुका है। मतलब कि अगर उन्होंने 1.5 करोड़ का फ्लैट लिया था, 50 लाख रुपए अभी तक पे करे हुए हैं,
50 लाख रुपए की कैपिटल एप्रिशिएट हो गया, तो इन्वेस्टेड अमाउंट का 100% रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है। और आगे पोजेशन तक के भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 13-14-15 हज़ार रुपए फुट से नीचे की ये चीज़ नहीं है, तो ये बहुत बेस्ट बाय है। मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर आपको ये प्रोजेक्ट के अंदर विजिट करना है, यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे, वील सी यू नेक्स्ट टाइम।